हेलो हाय नमस्कार पहला गो प्रणाम, आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है 15 तारीख, सॉरी कितनी तारीख है यार, 14 तारीख है गाइस, मैं भूल जाता हूँ, काम इतना हो रहा है ना। चिल्ड्रन डे, सबको बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, चिल्ड्रन डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहो बच्चों, खुश रहो, हैप्पी रहो, मस्त रहो। और अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने जो दो पैंट लाया था ना, मैं दिखा दूँ मेरे पैंट का है, दो पैंट और एक कुर्ता, कुर्ते के साथ का वाला पैजामा, तो उनको थोड़ा सा हल्का सा नैरो और थोड़ा सा छोटा बड़ा जो भी करना होता है वो करवाने जा रहा हूँ। एक ही पैंट ले रखा है मैंने और दूसरा पैंट है ब्लैक जो कि तुम्हारे भाई का फेवरेट कलर है, और तीसरा है ये जो कि ये कुर्ते का है, इसको भी थोड़ा सा सेट करना है। तो ये तीनों चीज़ें फिक्स करने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे, थोड़ा सेटिंग वेटिंग करवाने के लिए बाजार के लिए निकल रहे हैं। फिलहाल एक साथ वाला मेरा आने वाला है, मैं जाने वाला हूँ उसको पिक करने के लिए, तो उसके घर पे चलते हैं और उसको उठाते हैं, उसका भी कुछ काम है, उसकी सालगिरह है, तो भाभी के लिए कुछ ले रहा है। क्या ले रहा भाई, पता नहीं क्या ले रहा, साड़ी वाड़ी पता नहीं क्या लेता, मेरे को नहीं पता। सालगिरह में जो भी गिफ्ट देना होगा और मेरा काम भी हो जाएगा, तो मैं आज थोड़ा सा फ्री हूँ इसलिए मैंने कहा ब्लॉग भी बनाया जाए और आपको भी दिखाया जाए। तो गाइस झोला मैंने पकड़ दिया है और ये है हमारी स्कूटी की चाबी। आज मैं स्कूटी ले जाने वाला हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी में आज ऑयल नहीं है। क्या ऑयल? ऑयल तेल नहीं है, तो चलते हैं ये वाली चाबी ले आके और ये सामान ले आके निकलते हैं। देखो कितने सारे ट्रैक्टर वगैरह लगे हुए हैं काम करने में, सभी लोगों को रखी है जल्दी जल्दी काम निपट जाए और हमें भी रखी है, मेरा काम कल को और बचा हुआ है, तो देखते हैं कितने दिन का काम है। बाकी स्कूटी की डिग्गी ये है और इसमें एक बोतल भी है, बोतल में तेल भर के लाएंगे और इसको इसमें डाल देते हैं कपड़ों को, फिर निकलते हैं। तो अभी तो आपको ऐसी रोड दिख रही होगी ना, आज देखना हमारे यहाँ की रोड क्या चमका की है। ये देखो भाई साहब क्या रोड बन गई है, चकाचक जबरदस्त। तो ये रोड कल ही बनी हुई है और पीछे से बनते हुए आ रही है, इस साइड से आगे को और पीछे को बन रही है जहाँ को मेरे को जाना है, लेकिन अभी फिलहाल उसके घर जा रहे हैं जहाँ दोस्त है, उसको उठा के लेके आते हैं। आ गया है, तो गाइस अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, बाय बाय। और ये निकले अब हम पक्की रोड में। रजिना नमस्कार, आई टी वाले। तो आप चलते हैं गाइस सीधा, आप आगे जहाँ आप सीधा मार्केट में मिलते हैं। मंगल ये फिट करने पैंट हैं, अब कपड़े दे के आ गए हम साड़ी वाली दुकान में साड़ी लेने के लिए, अब साड़ी लेते हैं हम यहाँ से, उसी दुकान में आए जहाँ से और शॉपिंग भी करती थी बनीता, तो यहीं लेके आऊँ। अंकल साड़ी ऊपर, ये भाई साहब आए हैं अपनी घरवाली के लिए साड़ी लेने। कौन सी साड़ी ले रहे हो? देखते हैं अभी, देखो साड़ी दिखाने लग गए यहाँ पे, एक हरी कलर की वहाँ की साड़ी का भंडार है, ये दिखा रहे भैया। तो भैया इसको यहाँ तो पसंद आया नहीं, आप दूसरी दुकान में जा रहे हैं देखने के लिए। आप भी ले भी जाओ, उनको पसंद नहीं आता। सही कह रहे हो अंकल, सही बोला मैडम, बिल्कुल सही है। वो आनी नहीं है, तो मतलब सोनी ले आओ। तो तुम सब्जी ले आओ, क्या सब्जी लाए हो? सड़ी खुद ले आओ। सही है, उनको ले आए बेटा। ठीक। अभी माल और आ रहा है, बहुत अभी पहुँचाता हूँ उससे यहीं। तो भैया यहाँ भी पसंद नहीं आई इसको साड़ी, इसने इसके नखरे हो गए हैं लड़कियों से भी ज़्यादा ना, इसके नखरे ज़्यादा ही लग रहे हैं मुझे, लड़कियों से भी ज़्यादा नखरे हैं इसके। कोई बात नहीं, आप साथ में ही लाना पड़ेगा ना बेटा। हाँ तो भैया मैं आया था यहाँ इसकी शॉपिंग करने, अपनी शॉपिंग करने लग गया हूँ। अब आधे ये देगा आप, नुकसान करा दिया उसने। रेड है यार, गुलाबी है क्या? रेड है भैया, रेड है ना। तो भैया ले लिया, ये सब की रिकॉर्डिंग जो आगे के है, मेरे से गलत है। तुम्हारी तो दिखेगी फिर, तुम्हारी दिखाने के लिए तो खोला है ये ब्लॉग बनना है भाई ये। तो गाइस हमारे सब्सक्राइबर अभी मिले हैं,
तो यहीं कहीं रहते हैं लोकल में ही, जनकट की साइड को। हाई बोल रहे तो आवाज और शकल देख के पहचान गई है। हेलो कर दो। हेलो बोल दे बाबू। और के कौन सा था सब्सक्राइब लाइक कमेंट के हमारा गया क्या उन्होंने बोल रहा क्यों। चलो कोई नहीं, देखते रहा हां वीडियो। हां हम तो देखते रहो ना। तो फाइनली गाइस ले लिया यार, इसकी शॉपिंग हो गई और मेरी खाली पड़ी पड़ गई यहां आके। तो मैंने सोचा चलो ले ही लेता हूँ, मैं उस दिन भी परसों आया था, उस दिन भी लेने की सोच रहा था तो नहीं लिया, आज ले लिया। अब जाते हैं कपड़े उपड़े उठाते हैं जो फिट करने को दिए हैं, फिर एक मुझे हाई नेक लेना है, हाई नेक लेके सीधे घर को निकलेंगे। भाई साहब सामान वामान ले लिया हमने, लेकिन चौराहे पे भीड़ देखो भयंकर वाला जाम लग रहा है, भयंकर वाला। पता नहीं क्यों लगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा, इतना खतरनाक जाम लगा। देखो पीछे तक एम्बुलेंस क्यों क्यों टूटू कर दी है और इधर देखो जाम देखो क्या पकड़ा जाम है भाई साहब। तो गाइस आज है ब्लॉग का दूसरा दिन और मैं रेडी हो गया हूँ बाजार जाने के लिए, क्योंकि दृष्टि और महक के लिए थोड़ी बहुत उनकी शॉपिंग बच गई है और आज इसका भाई भी आ रहा है, दिल्ली पहुँच चुका है वो, शाम को उसको लेने भी जाना है। और फिलहाल विनीता देवी जी यहाँ पे हमारी तैयार हो रही हैं, कैसा लगा? लग तो अच्छा रहा, थक गए। तो गाइस हम लोग हल्द्वानी भी जाने वाले हैं, शायद से हल्द्वानी भी जाएंगे शॉपिंग के लिए, क्योंकि इस जो साला है वो शायद से वहीं से शॉपिंग करेगा। और फिलहाल जो मैं उस दिन वाइट वाली वो लेके आया था ना हाई नेक, उसको बदल के मैं ब्लैक वाली लिया है, क्योंकि तुम्हारे भाई का फेवरेट कलर ब्लैक है तो ब्लैक ही लिया हूँ। और फिलहाल मैं अभी दृष्टि और महक को स्कूल से लेने के लिए जा रहा हूँ, स्कूल से उठाते हैं उनको लेके आते हैं, फिर चलेंगे हम बाज़ार उनको लेके, उनकी थोड़ी बहुत शॉपिंग करा के आएंगे। तो फिलहाल निकल चुका हूँ मैं दृष्टि और महक को लेने के लिए स्कूल, और यहाँ पर थोड़ी बहुत हमारे यहाँ की रोड ख़राब है, बस जो आगे की रोड है वो बन गई, आपने देख ही दी है। और इस तरीके का गाँव का माहौल है, चारों तरफ गेम वगैरह बोल रही है। तो भाई साहब आ गए हैं दोनों जने, कहाँ से आए? स्कूल से। अच्छा चलें फिर, कहाँ जाएं? घर को चलें? आ जाओ फिर जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। यहाँ पे बैठेगी दृष्टि और यहाँ पीछे बैठेगी महक। सो फाइनली गाइस घर पे पहुँच गया हूँ दृष्टि महक को ले करके, और अब हम जाएंगे बाजार, इनकी शॉपिंग वगैरह करेंगे, फिर आप वो वाला ब्लॉग विनीता के उसमें देखना पी फॉर पहाड़ी वाले चैनल पे। और ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।